हेलो व्यूअर्स, मीरा का पद जो है उसमें प्रथम पद हम आज कर रहे हैं। प्रथम पद में मीरा कहती हैं कि उसके जीवन में कृष्ण ही सर्वस्व हैं। उसने लोकलाज छोड़कर और कुल मर्यादा का बंधन तोड़कर संतों का साथ कर लिया है। उसने अपने आंसुओं से सींचकर प्रेम की बेल को बढ़ा लिया है। उसे कृष्ण का प्रेम ही माखन जैसा मूल्यवान प्रतीत होता है और शेष सांसारिकता छाछ जैसी व्यर्थ लग रही है। वह भक्तों को देखकर प्रसन्न होती है और जगत को देखकर रोती है। पहला पद मेरो तो गिरधर गोपाल ये कर रहे हैं, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। इस पद्यांश में दीवानी मीराबाई ने अपना पद रचा है, जो इसमें उनकी अनन्य भक्ति भावना प्रकट हुई है। मीरा कृष्ण के प्रति पूर्णतया समर्पित हैं। इस तरह से समर्पित हैं कि भक्ति में के उसकी जो राह है उसमें आने वाले भाई बंधुओं पति सास आदि सभी को उसने त्याग दिया है। कृष्ण की दीवानी मीरा सारी दुनिया के सामने अपने प्रेम को बेबाक व्यक्त करती हुई कहती है कि मेरा तो इस संसार में केवल गिरधारी कृष्ण ही है और कोई मेरा अपना नहीं है। मेरा पति तो केवल वही है जिसने सिर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है। उसे छोड़कर पिता माता भाई रिश्तेदार कोई भी मेरा अपना नहीं है। मैंने सबको त्याग दिया है। वही मोर मुकुटधारी कृष्ण मेरा एकमात्र सहारा है। मैंने कुल की प्रतिष्ठा का विचार भी त्याग दिया है। मेरा कोई क्या कर लेगा, मेरे तो रक्षक स्वयं भगवान हैं। मैंने माया से विरक्त संतों के साथ बैठ बैठ कर लोकलाज जो थी वह भी खो दी है। मैंने अपने विरह असुरों से सींच सींच कर अपने प्रेम की बेल को बहुत ही परिश्रम से बोया है। अब तो यह प्रेम की बेल पूरी तरह फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं। अर्थात मैंने रो रो कर कृष्ण का प्रेम प्राप्त किया है और इस प्रेम को मन में अच्छी तरह बसा लिया है। अब तो इस भगवत प्रेम में आनंद भी आने लगा है। मैंने दूध में मथानी डालकर बड़े प्रेम से उसे बिलोया है। उसमें से मैंने मक्खन तो निकाल लिया है, अब छाछ बची है, उसे जो चाहे पी ले। इस पंक्ति का तात्पर्य यह है कि मैंने संसार का चिंतन मंथन करके यह पाया है कि भगवत भक्ति ही संसार का सार है। उसी को मैंने अपना लिया है। सांसारिकता तो निसार छाछ के समान है, उसे जो चाहे अपनाए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं भक्त को देखकर प्रसन्न होती हूँ और जगत को सांसारिकता के जाल में फंसा हुआ देखकर रोती हूँ। दासी मीरा अपने प्रभु से प्रार्थना कर रही है कि हे गिरिधारी कृष्ण, मैं आपकी सेविका हूँ, कृपया अब मेरा उद्धार करो और प्रतीक्षा ना करवाओ। इस पद में विशेष क्या है कि मीरा का कृष्ण प्रेम अनन्य है। वे पूरी तरह समर्पित हैं। उन्होंने राजकुल की मर्यादा के विरुद्ध भक्ति करके अपने युग से संघर्ष किया। संसार की निस्सारता प्रकट हुई है। कवयित्री भक्ति को ही सार तत्व मानती हैं और संसार को असार मानती हैं। मीरा ने विरह की पीड़ा सहकर भक्ति प्राप्त की है। कबीर ने भी कहा है, हंस हंस कंथ न पाइए, जिन पाया तिन रोए। मीरा का यह पद संगीत लय और मधुरता के कारण मनोरम बन पड़ा है। मीरा अपने पदों को स्वयं गाया करती थी। प्रेम बेल आनंद फल में रूपक अलंकार है। दूध की मथनियाँ छोई में अनियोक्ति अलंकार है। गिरिधर गोपाल मोर मुकुट कुल की कानी
कहा करी है कोई लोक लाज, बेली बोई बेली फैली में अनुप्रास अलंकार है, बैठी बैठी सींची सींची में पुनः रुकते प्रकाश है। कृष्ण के अनेक नामों के कारण काव्य सुंदर बन पड़ा है, जैसे गिरिधर, गोपाल, लाल आदि। इस पद में भक्ति रस और शांत रस की मिली जुली अभिव्यक्ति हुई है। दूसरा पद जो है वह है पग घुंघरू बांध मीरा नाची। इसमें सहज मिले अविनाशी तक हम करेंगे व्याख्या। प्रस्तुत पद कृष्ण की दीवानी मीरा के द्वारा रचित है। इसमें उनकी अनन्य भक्ति प्रकट हुई है। उन्होंने कृष्ण के अनुराग में लोक लाज और घर परिवार की सारी मर्यादाओं को त्याग करके उनके प्रति अपने आप को समर्पित कर लिया था। इस पद में वह प्रभु को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, तुम्हारी यह दासी अपने पैरों में घुंघरू बांधकर आपके प्रेम में नाच उठी है। अब सारी दुनिया इस प्रेम के खुले दृश्य को देख और सुन ले। यह सच है कि मैं अपने प्रभु की स्वयं ही दासी बन गई हूँ, अर्थात अपनी इच्छा से कृष्ण की दीवानी हो गई हूँ। लोग मुझे पागल बनाते हैं। लोग मुझे कैसा बनाते हैं? पागल बनाते हैं, यानी लोग कहें मीरा भई बावरी। यहाँ पर उनको लोग पागल बता रहे हैं। अन्य पंक्तियों में फिर वो कहती हैं कि न्यात कहे कुल नासी, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हाँसी। कि मेरे इस खुले कृष्ण प्रेम पर मेरी सास मुझे कुल कलंकिनी कहती हैं, यानी कि कुल को कलंक लगाने वाली कहती हैं। वह कहती हैं कि मैंने यह कर्म करके अपने कुल की छवि को मिट्टी में मिला दिया है। राणा जी ने मुझे मार डालने के लिए विष का प्याला भरकर भेजा, लेकिन मैं उस प्याले को भी सहर्ष पी गई। परंतु कृष्ण की उस दासी पर जहर का कोई प्रभाव नहीं हुआ। मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु तो गिरिधर कृष्ण हैं, मुझे सहज ही उस अविनाशी प्रभु के दर्शन सुलभ हो गए हैं। इस पद के बारे में कुछ विशेष बातें हैं। जो इसमें जो पद है उसमें मीरा पर ढाए गए अत्याचारों का संकेत मिलता है। पद में मीरा की कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति प्रकट हुई है। इसे पढ़कर मंदिर में तन्मय होकर नाचती हुई मीरा का चित्र आँखों के सामने सजीव हो उठता है। कृष्ण के अनुराग में मीरा कृष्ण को नए नए नामों और विशेषणों से पुकारती हैं, जैसे नारायण, गिरधर, नागर और अविनाशी। इस पद में अनुप्रास की छटा नजर आती है। कहे कुलनासी प्रभु गिरधर नागर, इन दोनों में अनुप्रास अलंकार है। संगीत लय और माधुर्य की दृष्टि से यह पद मनोरम बन पड़ा है। भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है।